दोस्तों रायपुर तो सिटी गए थे अपने काम से, काम तो निकल गया। और सतनाम भैया देख ही रहे हैं, पुराना है हमारे सेठ जी, इनको भी पहले भी देखे हैं, उनसे ही मुलाकात हो गया तो आए हैं। ये हमारे पुराने सेठ जी हैं और वो हमारे नए सेठ जी हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आप पिछला ब्लॉग में देखे कि हम लोग लोड करके आ गए हैं और अपने जहाँ खड़ा करते हैं गाड़ी वहीं पर खड़ा है गोडाउन में। तो अभी क्या है कि सेठ जी भी आने वाले हैं और बात हुआ अभी, और थोड़ा सिटी में भी कुछ काम है, थोड़ा हमको भी काम है, थोड़ा रोहित का लेकर के लाइसेंस का लेकर के बोले हैं कि चलो पूछताछ कर लेते हैं कि क्या बन क्या लगे क्या नहीं, उसका लाइसेंस बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, सेठ जी का इंतजार कर रहे हैं, अभी वो आएंगे तो थोड़ा सिटी भी जाने चलेंगे हम लोग, फिर यहाँ से अपना खाना उना का जो है बना उना के एक ही बार यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से हमको लगता है करीब अपना एक दो बज ही जाएगा फिर भी निकलने में यहाँ से। दोस्तों अभी पापा के सेठ जी आ गए हैं और हम भी साथ में चले जा रहे हैं, तो यहीं गोडाउन में अभी भी गाड़ी खड़ा है हेरा यहाँ पे, अब निकल रहे हम लोग। ऑफिस में आ चुके दोस्तों हम लोग यहाँ पे, अरे सभी लोग आ गए हैं, पापा भी हैं और वो पापा के सेठ जी हैं जो चलेंगे साथ में। थोड़ा लाइसेंस वाइसेंस का पूछना है सब कुछ डिटेल, ठीक है आइए पता करते हैं लाइसेंस का। दोस्तों रायपुर तो सिटी गए थे अपने काम से, काम तो निकल गया। और सतनाम भैया देख ही रहे हैं, पुराना है हमारे सेठ जी, इनको भी पहले भी देखे हैं, उनसे ही मुलाकात हो गया तो आए हैं। ये हमारे पुराने सेठ जी हैं और वो हमारे नए सेठ जी हैं। ये और ये इनके साथी हैं, इनके बगल के हैं साथी हैं, ये भी सब आए हैं। तो हम लोग अभी जब रायपुर गए घूमने के लिए और भी काम तो निपट लिए हैं, तो आए हैं यहाँ खाना खाने के लिए एमपी ढाबा पे। ये टाटी बांध में है एमपी ढाबा, तो यहीं पे आए खाना खाने के लिए, टाइम भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग चलो भाई खाना वाना खा के यहाँ से निकलेंगे, अब यहाँ से सीधा गाड़ी पर जाएंगे। और सतनाम भैया से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है। अरे भैया मैं तो कई बार बुलाया आपको, आते ही नहीं हूँ, टाइम नहीं मिलता ना, सबसे बड़ा बात तो यही है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप भैया बड़े आदमी हो भैया, बड़ा अधिक बात नहीं है, अब तो हीरापुरी आना जाना है, अब तो मुलाकात होते रहेगा। दोस्तों मेरा ऑर्डर आ गया खाने का, और ये पनीर है और ये कोफ्ता है और ये दाल भी है, सब हम लोग का साथ में हो रहा है, रोटी भी है तंदूरी। क्या चीज़ लगा के तंदूर रोटी में? बटर लगा के, बटर लगा के, ये बटर लगा के ये रोटी भी है। तो दोस्तों हम लोग तो आए थे काम से रायपुर में, अपना काम करते करते निपट गए, रोहित तो गाड़ी में ही रह गया, वो तो ऐसे भी देखे आता नहीं है जल्दी, गाड़ी से निकलते नहीं बाहर। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग खाना वाना खाते हैं, चलेंगे गाड़ी के पास से भी। दोस्तों अभी तो खाना ना हो गया हम लोग का, ये देखिए सामने एमपी ढाबा, यहीं खाना ना हुए हैं। सतनाम भैया अब आप भी ऑफिस चलिएगा, फिर कब मुलाकात होगा? हमारे सेठ जी हैं, छोड़ेंगे ना? हाँ वो तो छोड़ेंगे ही, गाड़ी वहीं खड़ी है। तो ठीक है दोस्तों अभी लोग निकलते हैं, अब हमारा काम भी हो गया इधर, अब सीधा गाड़ी लेकर निकलना है। थोड़ा धूप है, थोड़ा आधा एक घंटा बाद और निकल जाएंगे यहाँ से, तो चलते हैं अभी गाड़ी के पास। दोस्तों अभी हम लोग आ गए गाड़ी के पास, अब यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे। और रोहित तो नहीं गया अभी, इसको थोड़ा सा कहाँ सो रहा है, ओ जाग गया, गया नहीं, हम लोग पार्टी करके आ रहे हैं। हाँ रे सही में हम लोग पार्टी करके आगे कहीं जाता नहीं है, खाली सोना है। गाड़ी भी घुमा के उधर लगाता, धूप हो गया था इधर, चलो। दोस्तों मौसम तो ठंडा हो गया है, देख सकते हैं पूरा एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, हम निकल गए हम लोग क्योंकि अब ठंडा मौसम में ही गाड़ी चलता है, धूप में चलता नहीं है। और गए थे हम लोग रायपुर सिटी में, तो रोहित तो गया नहीं था, हालांकि हम लोग का भी प्लानिंग नहीं था कुछ होटल में जाके खाना वाना खाने का, क्योंकि इसको बोले थे सब्जी भी वाला लेकर रख दिए थे कि खाना बना के रखना, तो खाना तो बना के रखा ही था, तो हम लोग नहीं खा पाए, रोहित तो खा लिया। और वहाँ मतलब क्या कि अपना विचार नहीं होता ना भाई, बड़ा बड़ा सेठ लोग है, लोग प्लानिंग हो गया कि जब आए इतना दिन बाद मिले हैं तो खाना वाना खाओ के चला जाए, तो वही थोड़ा सा वहाँ पर पार्टी जैसा हो गया, खाना वाना खाए हम लोग। तो अभी आगे फिर गाड़ी में रुक गए थे हम लोग, अभी धूप खत्म हुआ है तभी निकले हैं। तो ठीक है दोस्तों यही सब चीज़ रोहित को बताते हैं कि उसका पार्टी मिस हो जाता है, तो ये बाद में अफसोस करता है कि हम भी जाते हैं तो आज होटल पे हम भी खाना वाना खाते हैं, तो नहीं जाता है, शर्माता है। ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम तुमको बता के जाएंगे, समझा? तो ठीक है दोस्तों अभी सफर काटते हैं, अभी शाम हो गया है।
दोस्तों अभी रात के 8:30 बज गया है और हम लोग महासमुंद पार कर रहे हैं। यही महासमुंद बाजार है और इसी में हम लोग को चलना पड़ता है। तो अभी इस रोड पर ज़्यादा चले नहीं है, तो कौन सा ढाबा पर रुकना है, क्या करना है, इसका पता नहीं है पूरा क्लियर। तो इसी लेकर के अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ रुकना है। एक जो है संडे पड़ रहा बीच में, तो संडे को खाली होगा नहीं, तो वो भी देखना पड़ रहा हम लोग को। देखिए महासमुंद बाजार यही है सिटी। ये गाड़ी कैसे बैक कर रहा है, हम लोग सीधे ही जाना है बाजार पे। अभी अब रास्ते में देखेंगे कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि संडे लेकर के हैं तो ज़्यादा भगा के जाना भी कोई ठीक नहीं, कोई फायदा नहीं है कि परसों खाली होगा नहीं। देखिए दोस्तों हम लोग तो वहाँ से निकल गए हैं कुड़कुड़े गोदाम से, तो अभी हम लोग आ गए हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार करके उड़ीसा में हम लोग घुस गए हैं। तो यहीं पे देख सकते हैं होटल में रुके हुए, खाना वाना ले लिए हैं, यहीं पे पार्किंग में खड़ा है, यहीं पे सोया जाएगा। तो अभी खाना लाए हैं, देखिए रोटी और तड़का और चावल तो बचा है दिन का चावल, तो मेरा उस्ताद सागर खाएगा। गाया खाना तो हमको बनवाया ज़बरदस्ती, बोला बनाओ, हम तो बना दिए, ये लोग खाया नहीं, चल गया काम में गया था, तो एक थोड़ा काम करके आया तो उधरे खाना पीना खाया, तो अभी रात को सबको खिलवाएंगे, तब आप समझ में आएगा जो चावल दिन का खाना कैसा असर पड़ता है सबको। दोस्तों रात में यहाँ होटल में रुके हैं, अभी यहीं से हम लोग अभी खा पी के सोएंगे, सुबह चलेंगे, क्योंकि बताने के संडे पड़ जा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हम लोग को। बस हमरा खा लेते तो सब मिला, दिन में चावल हम लोग खाए नहीं थे होटल में, खा लिए मुर्गा सेक रहा था, हम यहाँ चावल सेक रहे थे, तो अभी सबको असर दिलवा रहे हैं। थोड़ा सब मिलजुल के खाएगा, नहीं हमरा है थोड़ा मिलजुल के नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे पेट फुलवाइएगा मेरा, मेरा भी चावल जाता है, कम करो पहले उसको। सब मिला, रोटी भी मंगाया होटल से, रोटी सब्जी भी लाया है, रोटी सब्जी भी खाया जाएगा, मिला जुला के खाना है। वहाँ पे हम लोग कैसे खाते बाबा, मटन बिरयानी ना वहाँ जाकर मटन बिरयानी खा रहा है, यहाँ खाना जबरदस्ती बनवा रहा है, ठीक आएगा सुबह हम लोग क्या मालूम था कि तो लेट हो जाएगा आपको, हम बोले थे ना सुबह। दोस्तों हम लोग जो सिटी गए थे आज, तो कुछ सेट का भी काम था और कुछ इसके लिए भी काम से गए थे हम लोग कि इसका लाइसेंस वगैरह बन जाए तो अच्छा है। तो गए थे तो इसका तो कुछ आईडी प्रूफ मिला नहीं, छत्तीसगढ़ का तो कुछ है नहीं और झारखंड में स्कूल का कुछ नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ाई है। तो फिर मुखिया उखिया से लिखा हो कि वाला काम होगा, हो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि स्कूल का कागज़ चाहिए कम से कम, 5वां क्लास तक भी चाहिए, तो इसके पास तो है ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, कोशिश में लगे हुए हैं, बिल्डर से बात हो गया है जो बनाता है, वो बोला है कि मुखिया का लिखवा हुआ ले आइएगा तो हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना खाते हैं। ये देखिए होटल से मंगाए पार्सल खाना, ये देखिए दोस्तों मैं खाना लग गया है, जो दिन में अंडा कड़ी बनाया था, चावल और तड़का मंगाया भी और रोटी, तो सब मिलजुल के खा लेते हैं, कुछ चीज़ को बर्बादी नहीं करना है, अनाज है। चले दोस्तों अभी खाते हैं हम लोग पहले इसको, हम लोग अनाज को क्या ना कि हाँ ख़राब हो जाए तो बात अलग है, ख़राब तो हुआ नहीं है, ठीक ठाक है सब चीज़, इसलिए खा के ही ख़त्म करना है। दोस्तों रात के 11 बज चुका है, हम लोग बॉर्डर वॉर्डर पार कर लिए और खाना वाना भी खा लिया होटल में, बहुत अच्छा होटल है, बहुत बड़ा होटल है, सब गाड़ी रुका हुआ है, यहाँ के बाद आगे कोई जाता नहीं है, पता कि ड्राइवर साहब बोला कि नहीं बड़ा होटल यही है, इसके आगे हम लोग जाते नहीं, सुबह जाते हैं, सब 3 बजे 4 बजे जाने वाला है। हम भी बोल दिए गार्ड को कि हमको भी 4 बजे उठा देगा। ठीक है दोस्तों अभी सोते हैं यहाँ से, 3 बजे सुबह उठ के चलेंगे, कल तक देखते हैं कल शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, अभी होटल से 4 बजे सुबह चले थे और आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं। तो इधर तो एरिया ठीक है, हर जगह पेड़ पौधा मिल जाता है, गाड़ी कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, तो हम लोग भी रुके यहाँ पर, चाय अभी ब्रश वश किए हैं, अभी चाय भी देखिए बन रहा है हमारा, और ये ब्रेड व्रेड भी लेकर आए हैं, चाय के साथ ब्रेड करेंगे नाश्ता, तो यही सब सूखा सूखी नाश्ता जो है गर्मी में ठीक लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं भवानीपटना, यहाँ से कम 50 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो भवानीपटना पार करेंगे। अभी ठंडा ठंडा में सफ़र काट लेते हैं, क्योंकि बाद में दोपहर होने धूप होने के बाद फिर दिक्कत होता है, और कल संडे भी है, तो कल संडे का तो फैक्ट्री प्लांट में खाली होता नहीं है, तो उतना बाकी भी नहीं है, थोड़ा आराम से ही जाएंगे।
तो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज शाम तक, और भवानीपटना पहले पार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग का चाय बन गया है सुबह सुबह, तो हम लोग गाड़ी में चाय बनाते हैं। हाँ, महीना में मतलब महीना में एक दिन खाली बाकी होटल में चाय पीते हैं, और बाकी बाका 29 दिन गाड़ी में चाय पीते हैं। चाय पीना ही नहीं चाहिए 29 दिन गाड़ी में, महीना में एक बार होटल में। तो देखिए दोस्तों, अभी चाय और ब्रेड चल रहा है। जो भी है, लेकिन कल मटन बिरयानी खा के मजा आ गया था ना बाबा। किस्मत में ही नहीं था, मेरा किस्मत में नहीं था, हमको रटे, हम चिकन बनाओ चिकन बनाओ, अब दूसरे बोला तो चिकन खाया जाके। जाने बोले थे कि नहीं बोले थे? हाँ, मटन बिरयानी छोड़ी आप तेरा। दोस्तों अभी पापा थोड़ा सामान लाने के लिए गए थे तो मिल गया राशन। हाँ दीजिए, पूरा महीना का राशन आ गया, अपना आटा वगैरह सब कुछ यहीं पे, सारा राशन भी आ गया है दोस्तों, और थोड़ा सा सब्जी भी पटल लेके आया है, तो आज शायद यही बनेगा खाने में हमारा। और ये सब रखने का भी एक और बहुत अच्छा जगह, ये थोड़ा ये छिटा हुआ रहता है ये सारा कपड़ा, अभी सबसे अच्छा जगह हमारा हो गया है ये वाला, ये सीट के नीचे, ये देखिए पूरा भर के रखे बर्तन भी, और इधर जितना सामान सारा आता है एक्स्ट्रा, ये सब जैसे है ये सब यहाँ रख देते हैं, तो ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है और अच्छे से रखा भी जाता है। दोस्तों राशन तो ले लिए हैं, और लेने के कारण है कि जहाँ हम लोग खड़ा होते हैं ना, वहाँ पर मतलब मिलता है बहुत दिक्कत से मिलता है, गाड़ी में करके बेचने आता है, तो कभी रहा नहीं रहा, और संडे पड़ रहा है, अगर हम लोग पहुँच भी जाते हैं वहाँ तो संडे खाली नहीं होगा, रुकना पड़ेगा वहाँ, इसीलिए राशन ले लिए थोड़ा ज़्यादा ही अपना बनाते खाते। ऐसे तो गर्मी में ज़्यादा बनाने खाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आदमी खाना तो पड़ेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग भवानीपटना पहुँचने वाला है, भवानीपटना रह गया कुछ दिन, देखते हैं कहीं अच्छा जगह देख करके अपना बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि धूप भी हो रहा है, धूप में चल भी नहीं पाएंगे उतना। दोस्तों अभी यहाँ पे रुके हैं कुछ देर के लिए, थोड़ा बर्तन उतर में धोना था, बाहर पानी नहीं भरा रहा है, तो वो सब पूरा क्लियर कर लेते हैं। अब आगे मेरा क्या ना कि भवानीपटना आने वाला है, तो उसके उस पार कहीं रुकेंगे फिर देखते हैं। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा कि क्या रास्ते का सफ़र है, कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।